तो मेरा मैं कुशल कुमार, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टाटा पंच के बारे में। मैंने आपको उस कार का बिल्कुल बेस वेरिएंट भी दिखाया जिसमें कोई भी फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं, और आज हमारे सामने खड़ा हुआ टाटा पंच का एडवेंचर वेरिएंट। अगर आप कोई ऑटोमेटिक वेरिएंट देख रहे हैं इसके बेस वेरिएंट में, तो एडवेंचर वेरिएंट से ही आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएगा। इसके प्योर वेरिएंट में आपको कोई भी ऑटोमेटिक वेरिएंट देखने के लिए नहीं मिलता है, और ये ऑटोमेटिक वेरिएंट ही है। तो क्या क्या फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर एक्सटीरियर में ऑफर करे जाते हैं, वो आज हम सबको इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस कार में आपको सारे बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे आपको 2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, चारों स्पीकर मिल जाएंगे, और बाहर से भी देखने में काफी बढ़िया लगती है। जैसे आप जैसे जो उसके बील कवर से वो भी देखने में काफी बढ़िया लगते हैं, दूसरे अगर आप इनको देखेंगे तो थोड़े बहुत एलोवीज की तरह लगेंगे। उसके साइड में कंप्लीट बैलेंस भी खड़ा हुआ है, उसके स्टील व्हील्स भी आप देख सकते हैं कैसे लगते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं इस कार की कीज सही, तो कुछ तरह की आपको उसमें की मिल जाएगी। रिमोट से इंटर लॉकिंग मिलने वाली है, लॉक अनलॉक का मिल जाएगा, फॉलो मी होम हेडलैम्प का मिल जाता है, और फ्लिप की रहने वाली है। रिमोट से इंटर लॉकिंग मिल जाएगी आपको उसके एडवेंचर वेरियंट में। अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ मैं इस कार की फ्रंट प्रोफाइल से। इस तरह की आपको उस कार में फ्रंट प्रोफाइल मिल जाएगी। फ्रंट में आपको एलईडी डायोड्स देखने के नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको हैलोजन बल्ब दिया जाएगा, और इंडिकेटर में भी आपको बल्ब मिल जाएगा, और यहाँ पर मिल जाएंगे आपको हैलोजन हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टर आपको नहीं दिए जाएंगे, और ये रही ग्रिल, पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी, और उस पर टाटा का लोगो है, और यहाँ पर हो गया ट्राई एरो डिजाइन, हॉर्न है, और उस तरह का मिल जाएगा आपको नीचे से रेडिएटर ग्रिल, यहाँ पर भी ट्राई एरो डिजाइन मिल जाएगा। और फिर ओवरऑल जो लगती है इस कार की फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरह की लगती है, और ये इस कार की साइड प्रोफाइल। जैसे आप देख सकते हैं कुछ तरह के आपको उसमें स्टील व्हील्स मिल जाएंगे विद व्हील कवर्स, 15 इंच के स्टील व्हील्स रहने वाले हैं, 185x70R15 की प्रोफाइल है, और यहाँ पर आपको इतने साइज की क्लैडिंग दी जाएगी, और फुल बॉडी क्लैडिंग दी जाएगी आपको जो कि पूरी कार की बॉडी तक जाएगी। और ये रहा इस कार का ORVM, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM दिया जाएगा आपको बॉडी कलर का, और इंडिकेटर भी आपको इस कार के ORVM पर मिल जाएगा, और डोर हैंडल बॉडी कलर के हो गए, और इंटीरियर भी कुछ तरह का लगता है। इंटीरियर में भी हम चलेंगे इस कार के, और बैक डोर हैंडल आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और ये रही इस कार की बैक प्रोफाइल, जैसे आप देख सकते हैं ऊपर साइड आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिल जाएगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पर हो गया, और एंटीना आपको यहाँ पर दिया जाएगा, और इसके रेयर में आपको कोई वाईफाई डिफोगर बोशर जैसे फीचर्स देखने के नहीं मिलेंगे। वोकल फोर लोकल का हो गया यहाँ पर स्टिकर, टाटा का लोगो, पंच की बैजिंग मिल जाएगी आपको स्पेस देकर, रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर हो गया टाई एरो डिजाइन, नीचे साइड आपको एक लैब मिल जाएगा। मैं आपको इस कार का बूट दिखा देता हूँ, फिर कितना स्पेस आपको इस कार के बूट में मिल जाएगा। 5 ट्रे दी जाएगी आपको उसके एडवेंचर वेरिएंट में, वो 336 लीटर का बूट स्पेस है इस कार में, और ये रहा इस कार का स्पेयर व्हील, टूल किट भी दी जाएगी आपको यहाँ पर। मैं बात करता हूँ इस कार के प्राइस के बारे में, 750,000 रुपीज प्राइस इस कार का एक शोरूम। अगर आपको ऑन रोड प्राइस जाना है इस कार का, तो आप कॉन्टेक्ट करते हैं टाटा मोटर्स मंगलम शोरूम पर, इनसे कॉन्टेक्ट की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वैसे मैंने देखा कितने फीचर्स आपको इस कार के एडवेंचर वेरिएंट में मिल जाते हैं, एक्सटीरियर में मैंने आपको दिखाई दिया है। बात करते हैं इस कार के इंजन के बारे में, 1.2 लीटर का आपको उसमें रेवट्रॉन इंजन मिल जाएगा, 1200 cc का 3 सिलेंडर के साथ, जो कि प्रोड्यूस करेगा 84 bhp की पावर, और 113 Nm का टॉर्क। ये तो बात रही इस कार के इंजन के बारे में, और जो जो डायमेंशन है इस कार की वो आपकी स्क्रीन पर शोर ही होंगी। जैसे आपने देखा इसके फ्रंट प्रोफाइल में भी आपको कोई भी DRS देखने के नहीं मिलती है, लेकिन आपको उसमें बल्ब दिया जाएगा, और फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो आपको नीचे से नई फोग लैंप्स दिए जाएंगे, और फिर ओवरऑल किस तरह की लगती है फ्रंट प्रोफाइल। लेकिन आपको इसके एडवेंचर वेरिएंट में रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाएगी फ्लिप की के साथ, बॉडी कलर के ORVM मिल जाएंगे, और इंडिकेटर ORVM पर है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, बॉडी कलर के ही है डोर हैंडल इसमें, और व्हील कवर्स मिल जाएंगे जो कि देखने में दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़े बहुत अलॉय व्हील्स की तरह लगेंगे, या फिर स्टाइलिश स्टील व्हील्स कह सकते हैं आप। और ये तो बात रही इस कार के लुक के बारे में, जो था मैंने आपको बताया। तो भी चलिए फिर चलते हैं इस कार के इंटीरियर में आपको क्या क्या ऑफर करा जाएगा। ये रहा इस कार का ड्राइवर साइड डोर, जैसे आप देख सकते हैं डुअल कलर में मिल जाएगा आपको डोर इस कार का, और इंटीरियर भी आपको डुअल कलर में दिया जाएगा, और चारों पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है जिसके कंट्रोल्स यहाँ पर हो गए, और पियानो ब्लैक फिनिश का हो गया इसका डोर ओपनर, 4 स्पीकर मिल जाएंगे आपको इस कार में, बटर बोर्ड के लिए स्पेस है, डॉक्यूमेंट के लिए स्पेस, वो बाहर से देखने में कुछ तरह का लगता है इंटीरियर कार का। ड्राइवर सीट हेड एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको उसके एडवेंचर वेरिएंट में नहीं मिलता है। जैसे आप जैसे डुअल कलर में मिल जाएगा आपको इंटीरियर कार का, और ये रहा स्टीयरिंग व्हील, और स्टीयरिंग मॉड्यूल कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको एक साइड, बीच में टाटा का लोगो मिल जाएगा, और पियानो ब्लैक फिनिश या फिर सिल्वर फिनिश ऐसा कुछ आपको उसके स्टीयरिंग व्हील पर देखने के नहीं मिलेगा। और ये रहा इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पर आपको RPM मीटर, स्पीडोमीटर यहाँ पर होगा, बीच में आपको छोटे साइज की MID मिल जाएगी जिसमें आपको इसके फ्यूल का क्या माइलेज दे रही है आपकी कार, बहुत सब कुछ इसमें दिखता रहेगा। आपको यहाँ से इसके मोड को चेंज कर सकते हैं जो भी कुछ आपको देखना है। और ये रहा इस कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 2D का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, 4 स्पीकर जैसे मैंने आपको बताई दिया था, इसी वेंट्स मिल जाएंगे आपको 2 यहाँ पर,
हजार्ड लाइट का बटन और इन्फोटेनमेंट सिस्टम के हो गए कंट्रोल्स, एसी वेंट के हो गए यहाँ पर कंट्रोल, मैनुअल एसी दी जाएगी और यहाँ पर आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा उस केबल के लिए, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में रहने वाली कार जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता ही दिया था। और पियानो ब्लैक फिनिश दी जाएगी आपको यहाँ पर और फिर आपको थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर मिल जाएगा। और ये रहा इस कार का हैंड ब्रेक और मैं आपको इस कार का ग्लव बॉक्स दिखा देता हूँ, इतना स्पेस है इस कार के ग्लव बॉक्स में, काफी बढ़िया ग्लव बॉक्स में स्पेस है। और ये रहा इस कार का सनवाइजर, वैनिटी मिरर आपको इसमें नहीं मिलेगा, टिकट होल्डर मिल जाता है और यहाँ पर आपको केबिन लैंप मिल जाएगा हैलोजन में, काफी छोटा साइज है। और ये रहा इस कार का IRBM, मैनुअली डे नाइट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। और ये रहा इसका को ड्राइवर साइड का, वैनिटी मिरर, ग्रैब हैंडल और ये रहा इस कार की सीट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे आपको फ्रंट में, फैब्रिक सीट्स रहने वाली हैं, ट्राई एरो डिजाइन बना हुआ है सीट्स पर। और बैक में आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाएंगे, फ्रंट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और ये रहा इसका को ड्राइवर साइड डोर, पावर विंडो मिल जाएगी, वाटर बॉटल की स्पेस है, डॉक्यूमेंट की स्पेस, स्पीकर हो गया, डोर ओपनर वगैरह, फ्रंट टू एयरबैग्स मिल जाते हैं आपको इस कार में, हीरा एयरबैग और एक दो। ये तो बात रही इस कार के फ्रंट सीट पर बैठकर जो भी कुछ मिल जाता है वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है जैसे आपने देखा। तो चलिए फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ इस कार के रियर सीट पर, आपको कितना स्पेस मिल जाएगा। ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम आपको वहां पर दिया जाएगा। और ये रहा इस कार का बैक डोर, दोनों में मिल जाएगा आपको पियानो ब्लैक फिनिश का, स्पीकर हो गया, वाटर बॉटल के लिए स्पेस, डॉक्यूमेंट के लिए स्पेस और पावर विंडो। तो एक इतना लेग रूम आपको मिल जाएगा, लेग रूम और हेड रूम में आपको कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। भले से जो सेगमेंट में जो कार्स आती है उनसे सबसे ज्यादा बूट स्पेस आपको इस कार में मिलता है। और रियर सीट पर बैठकर कुछ तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का, काफी बढ़िया लगता है। और आपको फिर यहाँ पर कोई भी केबिन लैंप नहीं दिया जाएगा, सिंगल केबिन लैंप मिलेगा जो कि आपको फ्रंट में मिल जाता है, बैक में जैसे मैंने आपको बताया दिया था फिक्स हेडरेस्ट मिल जाते हैं कुछ इस डिजाइन के। और ये रहा इसका बैक डोर, और रियर एसी वेंट्स आपको नहीं मिलेंगे, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिया जाएगा और पूरी फ्लैट सरफेस रहने वाली है नीचे साइड। तो चलिए फिर और कुछ तरह का था इस कार का इंटीरियर, जो भी कुछ था इंटीरियर मैंने आपको दिखा दिया है। 7,30,000 रुपीज कार का एक्स शोरूम प्राइस है, एडवेंचर वेरिएंट का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में और मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाला इस कार का प्राइस 6,70,000 रुपीज का, और प्योर ब्रांड का जो प्राइस है वो 5,93,000 रुपीज है एक्स शोरूम, जिसमें आपको कोई फीचर्स देखने के नहीं मिलते, ना ही आपको 2D का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, ना ही व्हील कवर्स मिले, ना ही रिमोट सेंटर लॉकिंग। उस वाले ब्रांड में आपको आफ्टर मार्केट वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप आफ्टर मार्केट वर्क कराना नहीं चाहते हैं, अगर आप बेसिक फीचर्स चाहते हैं तो आप इसके एडवेंचर वेरिएंट को देख सकते हैं, काफी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है इसका एडवेंचर वेरिएंट। बेसिक फीचर्स तो आपको उस वाले वेरिएंट में मिल ही जाते हैं, जैसे 2D का इन्फोटेनमेंट सिस्टम हो गया, 4 स्पीकर के साथ रिमोट सेंटर लॉकिंग हो गई, व्हील कवर्स हो गए। आपको बढ़िया फीचर्स वाले वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, जैसे आप DRS चाहते हैं या फिर आप LOVs चाहते हैं, और इससे जो अपर वेरिएंट आते हैं टॉप वेरिएंट में फीचर्स दिए जाएंगे, पर लेकिन उनका प्राइस भी काफी ज्यादा है। अगर आपको उन वाले वेरिएंट की भी वीडियो देखनी है तो आप अपने चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो आपको ऑन रोड प्राइस जानना है आपकी सिटी में क्या है इस कार का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपकी सिटी का नाम, मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता दूंगा इस कार का। या फिर आप किसी और कार का भी ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं आपकी सिटी में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कार और सिटी का नाम। तो चलिए फिर वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आप किसी और कार का बुक नाम देखना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।